अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ इंस्टेंट डिज़र्ट की, और इस तरह की रेसिपीज़ जो हैं वो दावतों में बहुत काम आती हैं जब कुकिंग का काम काफ़ी ज़्यादा होता है। और वैसे भी ईद करीब आ रही है तो ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो इसे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। मैरी बिस्किट के 2 पैक ले लिए हैं मैंने, और इसके अलावा हमें चाहिए होगा कंडेंस मिल्क जो है वो तकरीबन 200 ml के करीब ले लीजिएगा। ये छोटे पैक थे तो मैंने 2 ले लिए, और साथ ही मैंने क्रीम के पैक ले लिए हैं। और फ्लेवर के लिए हमें चाहिए होगी कॉफ़ी, फ्लेवर्ड कॉफ़ी ना लीजिएगा, प्लेन कॉफ़ी कोई भी ले लें। और सबसे पहले हमें बिस्किट जो है वो क्रश करने हैं, उसके लिए मैंने एक बैग ले लिया और उसमें मैं क्रश कर लूँगी। आप चाहें तो चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। और बिस्किट्स को अच्छे से क्रश कर लें। बिस्किट जो है वो क्रश हो चुके हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम। क्रीम के 2 पैक जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये मैंने दूध ले लिया है, इसमें हम कॉफ़ी ऐड करेंगे। मैं चीज़ें बोल में मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्लेंडर में बना सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बीटर से ही मिक्स कर लूँगी, ब्लेंडर में ज़रा ज़्यादा अच्छा और स्मूथ बन जाता है। तो 1 teaspoon भर के मैंने कॉफ़ी का लिया है और 1/2 cup मिल्क ले लिया है। जब आप ब्लेंडर में बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा दूध इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये सारा जो है वो सोक कर लेते हैं बिस्किट। तो साथ ही इसमें मैं 100 g जो है वो कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ, बाकी का हम डिश में सेट करते हुए यूज़ करेंगे। और अब मैंने बीटर से जो है वो थोड़ा स्मूथ कर लूँगी। अच्छा, अगर आप कंडेंस मिल्क यूज़ करना नहीं चाहते तो उसकी जगह आप क्रीम में शुगर ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये बैटर थोड़ा स्मूथ हो जाता है। तो फिर हम इसे जो है वो डिश में सेट करेंगे, ब्लेंडर में जो है वो ज़रा ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। ये इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा शुरू में थिक नहीं रखिएगा, क्योंकि ये बिस्किट्स जो हैं वो सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं और थिक हो जाता है ये खुद ब खुद। अब जो बाकी का कंडेंस मिल्क था वो मैंने क्रश करके जो बिस्किट नीचे लेयर लगाई है उसके ऊपर मैं पोर कर रही हूँ। बिस्किट की लेयर नीचे क्रश करके लगाई है और उसके ऊपर कंडेंस मिल्क डाला, और उसके ऊपर जो बैटर हमने रेडी किया था वो पोर कर देंगे। और इसके बाद हम डेकोरेट कर लेंगे कॉफ़ी से या कोको पाउडर से, जो आपको पसंद हो। बस इस तरह से मैं स्प्रिंकल कर लूँगी, थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा गिर गया एक जगह पे कोको पाउडर, तो इसे हम उठा लेंगे। तो हमारी मज़ेदार सा जो है वो डिज़र्ट रेडी है, इसे अच्छे से ठंडा करके इंजॉय करें। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।